Assalamualaikum everyone, this is Sidra Khan. Hope everyone is doing fine. Today the topic of video is how to get ungated for any brand category on Amazon. Amazon पे कुछ brands और categories होती हैं जो जिनमें sell करने के लिए हमें approval चाहिए होती है. तो कुछ brands जो होते हैं restricted होते हैं जिसमें Amazon हमें allow नहीं करता, वो brands हमें allow नहीं करते कि हम उनके ब्रांड्स को सेल करें. और कुछ कैटेगरीज भी ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है. अमेज़न रिस्ट्रिक्टेड बैंड क्या लिखा हुआ है? अमेज़न रिस्ट्रिक्टेड बैंड ऑन वन वे अमेज़न इज़ ट्राइंग टू प्रिवेंट काउंटरफीट फ्रॉम बीइंग सोल्ड ऑन द वेबसाइट whether an Amazon category is open or not. Being approved to sell does not necessarily mean that you can sell every item that is listed in that category. अगर आपको किसी भी list में approval मिलती है तो it doesn't mean कि आप उस category में जितने भी products होंगे listed हैं आप उन सब को sell करेंगे. There are many Amazon restricted brand and they are restricted for many different reasons. Some companies may have exclusive agreement with Amazon or with one or more Amazon sellers. कुछ कंपनीज जो होती हैं उनकी एग्रीमेंट होती है अमेज़ॉन के साथ कि वो एक या एक से ज़्यादा सेलर्स जो होते हैं वो ब्रांड्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं. सम ब्रांड्स आर काउंटरफीट सो हैवी दैट दे रिक्वायर सेलर टू ऑब्टेन देयर गुड्स डायरेक्टली थ्रू द मैन्युफैक्चरर एंड यू विल नीड टू बी अप्रूव बाय देम एज एन ऑथोराइज रीसेलर बिफोर यू कैन लिस्ट देयर आइटम. सम आइटम्स कैन बी लिस्टेड बट ओनली इन यूज कंडीशन. नीचे आके देखते हैं Amazon कैटेगरी अप्रूवल में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. Amazon wants their customer to shop with confidence, so they require that seller meets criteria requirement and receive approval to sell in some categories. अगर आपको Amazon कुछ कैटेगरीज में जो है हमें अप्रूवल चाहिए होती है और वो उस कैटेगरी का जब हम अप्रूवल हमें मिल जाता है देन वी आर अलाउड टू सेल इन दैट कैटेगरी. द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द अप्रूवल वेरीज बट यू कैन बिगिन द प्रोसेस फ्रॉम विद इन द सेलर सेंटर्स. वो हम आगे चल के देखेंगे. Amazon restricted brands list. ये these are the some brands which are restricted on Amazon जिस brands को आप जो हैं वो sell नहीं कर सकते अगर आप इन brands को sell करें but you needs to get the approval from that brand. Like इसमें आप देखें Adidas है, Nike होगा, like look at here Adidas है. नीचे आएंगे आप देखें ये list है restricted brands की Amazon पे जिस इन ब्रांड्स को आप सेल नहीं कर सकते. इफ़ यू वांट टू सेल देन यू विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम अमेज़ॉन. सो इसमें क्या इन्होंने लिखा हुआ है वो हम देखते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इवन इफ़ अ ब्रांड इज़ ऑन द लिस्ट इट डजेंट मीन दैट एवरी आइटम अंडर अ ब्रांड इज़ रिस्ट्रिक्टेड. कि कोई भी इसमें अगर आपका ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड है तो इसमें ये डजेंट मीन इसका ये मतलब नहीं है कि एवरी आइटम जो इस ब्रांड में होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा. कुछ ब्रांड्स में जो आपके आइटम्स होते हैं उनके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है एंड यू कैन सेल इट. समटाइम द होल ब्रांड इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंड समटाइम इट इज़ जस्ट अ सर्टेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन विद द ब्रांड दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड. द ब्रांड दैट आर ऑन दिस लिस्ट आर नोन टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ न्यू सेलर ऑल दो समटाइम इट्स अ सिंपल एज अ रिक्वेस्टिंग परमिशन फ्रॉम अमेज़ॉन इन ऑर्डर टू बी सेलिंग. सो अब हम आगे चल के देखते हैं कि हम ब्रांड्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. तो आप जाएंगे अपने सेलर सेंट्रल पे. सेलर सेंट्रल पे जाने के बाद हम यहाँ कैटलॉग से भी ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं और इन्वेंट्री के टैब में भी जाके आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं. हम कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करते हैं. यहाँ पे लेट सपोज अगर मैंने यहाँ लिखा किसी भी ब्रांड का नाम नाइकी, अगर मैंने लिखा सर्च करती हूँ मैं नाइकी ब्रांड है तो यहाँ पे आप आएंगे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है शो लिमिटेशन कि इसकी इस ब्रांड को अगर हम सेल करना चाहेंगे तो इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी. वो चेक करते हैं कि यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड. अगर आप इस ब्रांड में लिस्ट करना चाहते हैं सो यू विल गेट द अप्रूवल फ्रॉम दिस ब्रांड नाइकी. सो अगर हम अप्लाई टू सेल पर चेक करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया यहाँ लिखा हुआ है सेलिंग एप्लीकेशन हम लेंगे ब्रांड से देन वी आर अलाउड टू सेल दिस ब्रांड.
in this brand. You need approval to sell Nike branded is a new use refurbished collectible and condition. हम request approval पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इस तरह की एप्लीकेशन नज़र आएगी कि यू आर रिक्वेस्टिंग अप्रूवल टू सेल नाइकी ब्रांड आइटम्स. के नाइकी ब्रांड के जो आइटम्स हैं उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होगी उसके ब्रांड नाइक से. सो यहाँ पे आपने सबमिट डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करने हैं. यहाँ पे सेलेक्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टाइप बिलो एटलीस्ट वन परचेज इनवाइसेस फॉर प्रोडक्ट फॉर अ मैनुफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर. एटलीस्ट वन इनवाइसेस जो है वो आपने परचेज करनी है मैनुफैक्चर से या डिस्ट्रीब्यूटर से और उसके बाद आपके उसके डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अटैच करते हैं. सपोज हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं. यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं या आप जो है वो वन लेटर फ्रॉम नाइक ऑथोराइजेशन यू वॉन्ट टू सेल दियर प्रोडक्ट. अगर आप नाइक से अगर आपको कोई लेटर देता है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया हुआ है इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इन्फॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट. आपके सेलिंग अकाउंट में जो आपका नेम है एड्रेस है जो आपकी इंफॉर्मेशन से मैच करता है देन यू कैन यूज डैट वन इंक्लूड डैट वन. इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैनुफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. शो द कम्बाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स. यहाँ से आपने जो है आपकी फ़ाइल जो है वो PDF डॉक्यूमेंट या PNG गिफ्ट में हो और यहाँ से आप सिलेक्ट फाइल करके उसको अपलोड कर देंगे. प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल एड्रेस बेस्ट ईमेल टू कॉन्टैक्ट यू फॉर क्वेश्चंस. के किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप अपना कोई भी बिजनेस ईमेल एड्रेस जो है या कोई भी ईमेल है आपका वो आप यहाँ पे लिखेंगे या फ़ोन नंबर ऑप्शनल है फ़ोन नंबर भी ऐड करके आप सबमिट कर देंगे. तो आपके पास अगर आपको ये ब्रांड नाइकी ब्रांड अगर आपको अलाउ करता है कि अगर आप उनके आइटम्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं देन यू विल गेट द ईमेल अबाउट रिलेटेड इट. क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अब हम चलते हैं वो तो हमने ब्रांड की बात कर दी. अब हम कैटेगरी में चलते हैं तो कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके लिए हमें अमेज़ॉन से अप्रूवल चाहिए होगा देन वी कैन सेल. सो यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कंडीशंस एंड गाइडलाइंस. हम नीचे आकर चल के देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ कैटेगरी चल के देखते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं विच नीड्स अप्रूवल फ्रॉम अमेज़ॉन. यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरी अमेज़ॉन डिवाइस एसेसरीज. इसमें आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है. कुछ कैटेगरीज कुछ इसमें आइटम्स हैं जिसके लिए आपको जो है अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी. अमेज़ॉन किंडल बेबी प्रोडक्ट्स ब्यूटी नो कैमरा ये सारी आपको जितनी भी कैटेगरीज हैं अमेज़ॉन पे उन सब के बारे में बताया है. हम एक कैटेगरी चूज़ करते हैं ऑटोमेटिव एंड पावर स्पोर्ट्स. यहाँ पे इसमें हमें अप्रूवल जो है चाहिए. हम यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या इसकी गाइडलाइंस हैं. यहाँ पे सब बताया कि अमेज़ॉन रिक्वायरमेंट फॉर सेलिंग ऑटोमेटिव एंड पावर सपोर्ट रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए. तो ये कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई है सारी कि यू मस्ट इंक्लूड द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड विद ऑल द मेजर ब्रांड दैट यू लिस्टेड. ये सब आपने रीड करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है अगर आप इस कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं तो आपने ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है. जनरल अमेज़ॉन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट अगर आप अपनी लिस्टिंग करते हैं इस कैटेगरी में तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपने यहाँ पे रीड करना है. अगर आप ऑटोमेटिव एंड पावर सपोर्ट प्रोडक्ट्स को इस कैटेगरी में इस कैटेगरी के आइटम्स को अगर आप सेल करना चाहते हैं. इमेजेस मस्ट बी एटलीस्ट 500 पिक्सल ऑन द लॉन्गेस्ट साइज 1000 पिक्सल इज़ अ डील. So if you meet all the requirement listed above, जितने भी requirement listed above है अगर आप इस requirement का आप meet करते हैं then you can request for approval. Request approval पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये request approval आ जाएगा कि some categories and product Amazon requires approval. कि कुछ categories और product Amazon पर होती हैं जो approval हमें चाहिए होते हैं before you can sell. सो अगर आप ये सबमिट कर देंगे तो आपको अमेज़ॉन की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि नाउ यू आर आइदर यू आर अलाउड टू सेल दिस प्रोडक्ट और नॉट.
सो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एस्टिमेटेड एनुअल ऑनलाइन रेवेन्यू के कितना रेवेन्यू है आपका वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं जो है आप सेल करना चाहते हैं। कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑलवेज चूज द न्यू। कंपनी की वेबसाइट, कंपनी की डिस्क्रिप्शन, योर नेम ऑफ द स्टोर, ईमेल, फोन एंड द कंपनी नेम और सबमिट कर देंगे। सो अगर आपको अमेजोन अलाउ, आपको अमेजोन की तरफ से अगर अप्रूवल आती है देन यू आर अलाउड टू सेल इन इन दिस कैटेगरी। इसके अलावा है एक और वेबसाइट है फनल गुरु के नाम से है, जहाँ पे भी वहाँ से भी आप जो है किस कैटेगरी में अगर आप सेल करना चाहते हैं USA, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये अनगेट करते हैं USA, कनाडा, UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है और विद द प्राइस बताया हुआ है कि ग्रॉसरी और गवर्नमेंट फूड में आप $499 इसकी ऑफर है। म्यूज़िक कैटेगरीज है, ब्यूटी ट्रॉपिकल्स में है $799 ही आपसे चार्ज करेंगे। तो जिस कैटेगरी को आप अनगेट करवाना चाहते हैं आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ये लिखा हुआ है कांटेक्ट इंफॉर्मेशन चेकआउट, तो आप इनसे कांटेक्ट करके भी ये आपकी कैटेगरी को जो है वो अनगेट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।